प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप है क्लास टेंथ के मेरे प्यारे से बच्चे और भाई बहन दोस्त, जो भी कुछ रिश्ता है अपना वैसा ही मान ले चलिएगा। मैं आज बात करने वाला हूँ वर्णिका का, चैप्टर नंबर 3 तो हो चुका है चौथे चैप्टर की, उसके बाद एक चैप्टर बचेगा वर्णिका का, हम लोग बिल्कुल आसानी से फिनिश करेंगे। और वर्णिका बच्चे जितना दिखने में छोटा बुक है, जितना पतला है, उतना ही अच्छे मार्क्स के इसके वेटेज देखा जाए तो 50 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव करना है, जिसमें से 14-15 नंबर तो फिक्स है, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना इस बुक से। और ये बुक की सबसे बड़ी खासियत है इसके चैप्टर की कहानी है, क्या दर्दनाक, थोड़ा मस्ती, थोड़ी सी दर्द भरी कहानी, ऐसी कहानियाँ हैं कि जैसे लगती है कि बिल्कुल अपने आप को हट कर छू जाती हैं। एक बार पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप शायद भूलेंगे नहीं, ऐसी ऐसी कहानियाँ इसमें एक समाज से रिलेटेड जो वास्तविक घटना घटती हैं उस पर बिल्कुल कहानियाँ हैं, और सच में वास्तविक सब कहानियाँ हैं और अलग अलग भाषाओं की कहानियाँ हैं, तो इसको ट्रांसलेट किया गया है। आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, देखता हूँ कि इन बच्चे को याद है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि दही वाला मगम्मा जो चैप्टर है, इसका लेखक कौन है? तब बताएंगे सर, श्रीनिवास है सर। पहले बताइए इस चैप्टर को अनुवाद किसने किया है, इस चैप्टर का भाषांतरण किसने किया है? भाषा जो है तो ये कन्नड़ भाषा की है, इसको हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया है? जल्दी बताइए। तो बच्चे बता रहे हैं बी एन नारायण सिंह, तो ये अच्छी बात है, बी एन नारायण ने किया था। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास जो उड़िया चैप्टर है, इसको किसने ट्रांसलेट किया? जल्दी बताइए। डाते विश्वास चैप्टर उड़ीसा वाला जो है, इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया है? सात कोड़ी होता था इसके लेखक हैं। इसके भाषांतरण किसने किया है? तो आप बच्चों को याद होगा कि राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं, तो ये अच्छी बात आपको याद है। चलिए अगला प्रश्न आपका बनेगा, जो आज हम चैप्टर इसके पहले जो चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं, माँ जो चैप्टर था गुजराती, इसको किसने ट्रांसलेट किया था? जल्दी बताइए। इसके पहले आपको पढ़ा दिया गया है तो इसके भाषांतरण किसने किया था? तो बच्चों जो हम पढ़े थे तो इसको किया था गोपाल दास नागर, इसे क्या थे अनुवादक थे माँ चैप्टर का। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं नगर, जो तमिल है। अब इसको जल्दी से आज हम पढ़ने वाले हैं तो इसको हम डिटेल में जाएंगे। चलिए पहले नगर चैप्टर को निकाल ही लेते हैं। चलो, बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, एक बार लगता है कि पिक्चर देखना ऐसा कहानी आएगा। माँ हो गया गोपाल दास नगर, और हम पढ़ने जा रहे हैं आज नगर, जिसको लिखा है सुजाता ने। इनका वास्तविक नाम रंगराजन है, एस रंगराजन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे पेपर में कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो एस रंगराजन। इनका जन्म जो है 3 मई 1935 में हुआ था, चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। अपनी रचना शैली तथा विषय वस्तु के द्वारा इन्होंने तमिल कहानियों में उल्लेखनीय बदलाव किए। इनकी रचनाओं खूब लोकप्रिय हैं हुई। इन्होंने कुछ अभिनय नाटक भी लिखे हैं, कुछ उपन्यास भी, जो उनके उपन्यास हैं चलचित्र में भी बने हैं, चलचित्र मतलब मूवी, फिल्म भी बन चुकी हैं, इस पर फिल्म बन चुकी हैं। इनकी 25 से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कैरे लान सेनबक्पू और कनोतु तेलिडिस सलाय, ये सब तमिल भाषा, तेलिडिस सलाय आदि उपन्यास काफ़ी चर्चित हुई और सम्मानित भी हुआ है। यह कहानी आधुनिक तमिल कहानी है, जो हम नगर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, यह नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभाल ली गई है। इस कहानी के अनुवादक होंगे के जमुना। एक बार चलो हम सबको याद कर लेते हैं, दही वाला मगम्मा को बी एन नारायण सिंह, दूसरा चैप्टर धरती विश्व कितने लिखा था राजेंद्र प्रसाद मिश्र, तीसरा चैप्टर था अपना माँ राजेंद्र, उसके कौन थे के ए जमुना। आज चैप्टर कौन, इसके कौन है, इनके नगर का क्या है, के जमुना। इसके पहले वाला क्या था, तो माँ था जो गोपाल दास नागर थे उसके। ये देखो मैं ये किस आपको क्यों याद कर रहा हूँ बार बार, ढहते विश्वास से कौन है राजेंद्र प्रसाद मिश्र, दही वाला मगामा का के बी आर नारायण सिंह, और मेरा बच जाएगा आपका चैप्टर जो इसके पहले जो गया है राजेंद्र प्रसाद मिश्र के बी आर नारायण, और एक था अपना गोपाल दास नागर वाला था जो हम पढ़े थे माँ चैप्टर कहाँ गया माँ। तो ये गोपाल दास नागर का था, और आज हम पढ़ रहे हैं के जमुना द्वारा अनुवादित, इसको हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेट किया है। चलिए कहानी शुरू होता है। पहला ही लाइन इम्पोर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, कल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में क्या लिखा है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसकी तुलनात्मक व्याकरण किसका है, तो अब बताइए कल्डवेल की, या कल्डवेल की कैसे व्याकरण है, तो तुलनात्मक व्याकरण है। उसमें क्या बताया गया है, जो मदुरै है, मदुरै पांडेय लोगों की दूसरी राजधानी है, कहाँ लिखा गया है, कल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में। हमारे देश में मानचित्र में मथुरा नाम
मथुरा नाम से भी उल्लिखित है। हमारे मानचित्र में इसको मथुरा नाम से उल्लिखित किया गया, किसको? मदुरई को। अंग्रेज, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंग्रेज द्वारा मदुरई को क्या कहा जाता है, तो अंग्रेज द्वारा मदुरई को मदुरा और यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता है, तो मेदोरा। ये दोनों क्वेश्चन आ चुका है। अंग्रेज ने क्या कहा था मदुरई को, तो मदुरा कहे थे, और यूनानी लोग क्या बोल रहे थे, मेदोरा। याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा। और मदेरा कहे जाने वाला तमिल नगर तमिल लोगों का मदुरई ही है। दीवारों पर छोटी मोटे अक्षरों में छिपे विविध वस्तुओं का विज्ञापन करने वाला तरह तरह के पोस्टर लगे हुए थे। निजाम लेडी तंबाकू एके ब्रांड बेसिर सावधान, क्रांति की आग भड़क रही है, खास सभाएं, हाजी मूसा की कपड़ों की दुकान, कपड़ों का सागर, 3973 को नास्तिक लोगों की हड्डियां लेकर चलेंगे। मदुरई नगर में एक साधारण दिन हमेशा की तरह सड़कों पर नलों के सामने मनुष्य की बड़े लाइनों बनाकर खड़े थे। छोटे बच्चे टिटनेस जैसे भयानक रोग से चिंता किए बिना मिट्टी में खेल रहे थे। पांडियन परिवहन नगर निगम की बरसे स्वतंत्र स्वदेशी की भावना से युक्त डीजल का धुआं फैला रही है थी। कलफ लगी निकर कमीज पहने प्रोटीन की कमी से पीड़ित से पुलिस वालों इधर उधर आने जाने वाहनों और मनुष्य की गति को नियंत्रण कर रहे हैं। यानी पुलिस लोग भी ऐसे खड़े हैं जैसे उनको लगता है कि पूरे पतले पतले हैं, उनको प्रोटीन की कमी है, अच्छे खाना उनको भी नहीं मिल रही है। ऐसा लग रहा था कि मानो वे ब्राह्मणियन गति के सिद्धांत का पालन कर रहे थे। कौन वो पुलिस लोग जो पुलिस जो गाड़ी को रोकने काम कर रहे थे, लग रहा था कि जो फिजिक्स में पढ़ेंगे ब्राउन की गति, उसके नियम का वो पालन कर रहे हैं। खादीदारी लोगों का एक जुलूस जो न ज़्यादा था और न लंबा, महंगाई के लिए सरकार को कोसता हुआ सड़क की बाई और रेंग रहा है। लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगता है लोग रेंगते हुए जा रहे हैं, किसी में जान प्राण नहीं है। चप्पल रहित गंवार लोगों, चप्पल नहीं है लोगों के पैरों में। और भीड़ मीनाक्षी मंदिर के सामने स्तंभ खड़े लोगों, गोरमपुर सूखी हुई बगैर नदी का पुल यही है, मदुरई यही है। अब मदुरई हमारी कहानी क्या कैसी लड़की संबंधित है, हमारी जो कहानी है मदुरई, हमारी कहानी एक ऐसी लड़की संबंधित है जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं नगर, एक ऐसी लड़की संबंधित कहानी है जो आज इस नगर में आई है। वल्ली अमाल अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरई स्थित अस्पताल में की बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही है करती थी। पहले दिन पपाती का बुखार था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पपाती किसकी बेटी थी, तो वल्ली अमाल तमिल भाषा का नाम है, और उनकी बेटी क्या नाम है, पपाती। उसको पहले दिन क्या था, क्वेश्चन पूछेगा पपाती को पहले दिन क्या हुआ था, तो बताएंगे पहले दिन उसको बुखार था। तो गांव के जो प्राइमरी डॉक्टर थे वो लोग क्या बोले थे, हेल्थ सेंटर में ले जाइए, और वहाँ डॉक्टर ने डरा दिया था कि भाई इसको सुबह की गाड़ी से आप लेकर जल्दी जाएं, इसको नहीं तो इसको बहुत भयंकर बीमारी हो गई है, आप इसको जल्दी लेकर जाइए। तो पपाती को पहले दिन क्या था, बुखार था। तो ये गांव के जो प्राइमरी डॉक्टर ने गई थी गांव के डॉक्टर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, वहाँ के डॉक्टर ने डरा दिया और बोला कि भाई झटपट इसको सुबह से मतलब अस्पताल थी, इसको सुबह से लेकर झटपट बड़े अस्पताल में पहुँच जाइए, बड़े अस्पताल मतलब शहर में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पपाती भाई शहर में क्यों आई थी, तो पहले बताना कि पपाती को पहले दिन बुखार था, गाँव के डॉक्टर ने सलाह दिया था कि भाई इसको जल्दी से बड़े अस्पताल में भर्ती कराइए, इसीलिए वो शहर आई थी। ये क्वेश्चन का आंसर पैसे लिखे आएंगे। पपाती किस पर लेटी हुई थी, क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए पपाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। स्ट्रेचर मतलब वो जो खटिया ऐसा होता है ना, उस पर लेटी हुई थी। यह छह डॉक्टर उसे घेरे हुए थे, छह डॉक्टर थे उसे घेरे हुए थे। पपाती लगभग 12 वर्ष साल की थी, उसकी उम्र पूछा जाएगा, 12 साल बताना। उसकी नाक दोनों ओर से छिदी हुई थी, नाक की लौंग में जड़े मामूली नगीने अस्पताल की रोशनी में चमक रहे थे। माथे पर विभूति का आरा तिलक लगा हुआ था, छाती चादर उड़ाई थी, उसे बाहर निकले उसके हाथ दुबले पतले से लग रहे थे। बुखार की तेजी से कारण पपाती बेहोश पड़ी थी। क्वेश्चन पूछेगा पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो लिखना तेज बुखार के कारण। उसका मुंह खुला हुआ था, बड़े डॉक्टर ने सिर घुमाकर देखा, आंखों की पलकों उठाकर देखा, गालों को उंगली से दबाकर देखा, खोपड़ी को उंगलियों से ठोक ठोक कर उसका परीक्षण किया। बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा पाकर लौटे थे, एक बड़े डॉक्टर थे जो विदेश से पढ़ के आए थे। स्नातकोत्तर जो बच्चे जो डिप्लोमा कर रहे थे बच्चे, स्नातकोत्तर जो कक्षाओं में वो पढ़ाते थे बच्चों को, वो प्रोफेसर भी थे। उनके चारों ओर खड़े डॉक्टर उनके छात्र थे। वे बोले
एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, यानी जो केस है ना ये मेनिंजाइटिस का केस है, जिसको बुखार हुआ है, इस रोग का नाम है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्वेश्चन पूछेगा, पापाती कौन सा रोग से पीड़ित थी, तो मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित थी। वल्ल या माल ना समझे, समझ में आने वाली उनकी बातों को सुनी हुई अत्यंत चिंतित होकर अपनी पुत्री की ओर एकटक देख रही थी। चारों ओर डॉक्टर ने बारी बारी से आकर एल्थोस्कोप, ये जो नहीं होते जो गले में लोग डॉक्टर लगाते हैं, उसकी सहायता से बच्चे के यहाँ कुछ सब चेक कर रहे थे अपने हिसाब से, और अपने जो उर्दू अभी पढ़ाई कर रहे थे बच्चे, जो भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, तो वो कुछ कुछ अपने नोटबुक में वो सब लिख रहे थे। हाँ, बड़े डॉक्टर बोले, कह दीजिए इसे एडमिट कर दे कर लें। बड़े डॉक्टर ने कहा इसे जल्दी से एडमिट करा दीजिए। वल्ली अमाल ने बारी बारी से उनके चेहरे की ओर देखा। डॉक्टरों में से एक बोला, माता जी इस लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा, वह देखिए वहाँ जो सज्जन बैठे हैं ना उनके पास जाइए, आपकी चिट कहाँ है। वली अमाल के पास चिट नहीं था। कोई बात नहीं, वे दे देंगे। अरे यार तू चल बाबूजी इस तरफ से। वली अमाल ने बड़े डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा, बाबूजी बच्ची अच्छी हो जाएगी ना, पहले से एडमिट करा दें। डॉक्टर बोला कि पहले से एडमिट करवा दीजिए, हम इसकी देखभाल करेंगे। डॉक्टर धन शेखरन इस केस को मैं स्वयं देखूँगा। बोले डॉक्टर, डॉक्टर धनशेखरन थे, बोले डॉक्टर धनशेखरन इस केस को मैं स्वयं देखूँगा। दूसरे लोगों को घिरे हुए किसी मंत्री की तरह वहाँ से चिल्ला दिए। डॉक्टर धनशेखरन बैठे वहाँ बैठे श्रीनिवासन को सारी बातें समझाकर बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़े। श्रीनिवासन ने बड़े वल्ली अमाल को ही और देखा की ओर देखा, अम्मा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है। अरे हरमजा दे, वो रजिस्टर उठा दे। वल्ली अम्मा ऐसा बोली, पेशेंट का नाम, वे मर चुके हैं। अब पेशेंट मतलब रोगी होता है, माँ को बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थी तो उनको पेशेंट का मतलब नहीं बुझाया। वो ऐसे पूछते कि आपकी बेटी का नाम तो बता देती, लेकिन उन्होंने पूछे पेशेंट का नाम, वो बोली कि वो मर चुके हैं, यानी समझे कि मेरे पति का नाम पूछा जा रहा है। पेशेंट से पति उनको याद आ गया। श्रीनिवास ने सिर उठाकर देखा, पेशेंट यानी रोगी, किसे भर्ती करना है। मेरी बेटी को, नाम क्या है। जी वल्ली अम्मा, फिर बता रही कि अपने नाम फिर से बता रही है। जी वल्ली अम्मा, क्या मजाक कर रही हैं, तेरी बेटी का नाम क्या है। तो बोली पापाती, पापती, पापापती उसका नाम था। पापती, हे ईश्वर ये ले। उसे चिट दिया, बड़े मतलब इससे परेशान हो गए माँ जी से। वहाँ सिरिय के ऊपर कुर्सी पर सज्जन बैठे मिलेंगे, वे लोग वेतन के बारे में आदि से पूछताछ करेंगे, उन्हें चिट दे देना। बच्ची का क्या, बच्ची को कुछ नहीं होगा, यहीं से लेटे रहने दे, तेरे साथ कोई और नहीं आया क्या, तू यहाँ जा। यहाँ विजय रंगम कौन है। वल्ली अमाल पपत्ती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वह लंबी कतार देखकर वहाँ की फैली विशेष गंध के कारण उसके जी में चलने लगा। उसके जैसे उनके जी में चलने लगा, तब देखिए उसने अपने मृत पति पर बहुत गुस्साया। किसे, माँ जी को, वल्ली अमाल को अपनी पति पर बहुत गुस्साया। पति कैसे थे, मरे हुए पति थे, पति मर गए थे, उन पर उनको बहुत गुस्सा रहता। गुस्सा इसलिए रहता कि अगर काश वो होते तो उनके सब काम नहीं करना पड़ता, उनको राहत मिलता। वह चिट लेकर सीधे चली गई, कुर्सी खाली पड़ी थी, उसकी पीठ पर धूल जमी थी, मतलब कुर्सी पर जो बैठे कोई व्यक्ति आया ही नहीं था। उन्होंने लोगों की कनखियों से चिट की ओर देखा, माँ जी तनिक ठहरो, उन्हें आने दो, कहकर खाली कुर्सी की ओर संकेत किया। वल्ली अमाल के मन में अपनी बेटी के पास लौट जाने की तीव्र इच्छा हुई जगी। उस अनपढ़ स्त्री के हृदय में प्रश्न ने अत्यंत विशाल रूप ले लिया, मैं यहाँ प्रतीक्षा करूँ या अपने बच्ची के पास लौट जाऊँ। माँ जी की बहुत दुविधा थी कि अपनी बेटी के पास अकेली पड़ी उसके पास चली जाऊँ, कि जो ये कुर्सी पर बैठने वाले सज्जन हैं इनका इंतजार करूँ, कब आएंगे, चीट लेंगे, क्या क्या करेंगे। उसे यह पूछते हुए डर लग रहा था कि क्या उन्होंने आने बहुत देर लगेगी। वेतन के बारे में पूछताछ करने वाले ये सज्जन अपने भोजन के प्रति अपने भांजे के प्रति भर्ती करवाकर आराम से लौटे। आकर कुर्सी बैठे, उन्होंने तीन बार नसवार ली, मतलब सांस लिए, फिर रुमाल से रस्सी की तरह बांधकर नथुनों में डालकर सुरसुराकर चुस्त होकर बोले, देखो भाई तुम लोग यहाँ लाइन बनाकर खड़े हो जाओ, फतियों की तरह झुंड बनाकर घूम चले आओ तो कैसे काम चलेगा। 30 मिनट का इंतजार करने के बाद वल्ली अमाल के हाथ में चिट की जैसे ही किसी ने छीन सा लिया। ये चिट पर तो डॉक्टर साहब का दस्तखत नहीं है। जा डॉक्टर साहब के दस्तखत करवा ला। मुझे इसके लिए कहाँ जाना होगा, तू कहाँ से आई है। मुनांडी पिट से। क्वेश्चन पूछेगा कि वल्ली अमाल के गाँव का क्या नाम था, तो ये गाँव का नाम याद रखिएगा, मुनांडी टिप्ट। ठीक,
अच्छा मुनान टिप टिप से कहकर कलर की ओर जोर से हंसे, फिर बोले अपनी वह चिट मुझे दे दे। उसने दोबारा चिट उन्हें दे दी। उन्हें डॉक्टर उलट कर देखा तो तुम्हारा पति का वेतन कितना है, वे मर चुके हैं। तेरा वेतन कितना है, वे मर चुके हैं। एक बार ये वो सुनिए पति की बार पूछाते बोले मर चुकी है। अरे उसके समझ में नहीं आया वो क्या करे, महीने में कितने पैसे कमा लेती है। तो ऐसा बोले कि मजदूरी भी करते हैं, जो कुछ लोग देते हैं तो ही कमा लेती हूँ, काम नहीं मिलता तो नहीं कमाती हूँ। तो तू घबरा मत, तुझसे पैसे नहीं लेंगे। ले इस चिट को लेकर तुम यहाँ सीधे जाकर बाएँ हाथ की तरफ मुड़ जा, दीवार पर तीर का निशान होगा, वहाँ से तू 48 नंबर वाले कमरे में चले जाना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डॉक्टर ने वली अमाल को कहाँ जाने के लिए कहा था, किस कमरे में, तो 48 नंबर कमरे में जाने के लिए कहा था। वली अमाल ने उस चिट को दोनों हाथ में लिया, कलर के निजी संकेत दिए। उसके सरल मन में और अधिक उलझन पैदा हुआ और हवा के झोंक में पड़े कागज के टुकड़े की तरह अस्पताल के इधर उधर भटकती फिरी। वो पढ़ना नहीं जानती थी, क्वेश्चन पूछेगा वली अमाल क्या नहीं जानती थी, तो पढ़ना नहीं जानती थी। उस समय उसके ध्यान से आवाज़ उतर गया कि उसे किस कमरे में जाने के लिए कहा गया है। लौट कर उस कलर के दोबारा पूछते ही उसे डर लग रहा था, फिर लौट कर आएगी दोबारा कैसे पूछे कि मुझे कहाँ जाना है। वो नंबर भूल गई थी कि किस नंबर के कमरे में जाना है। अचानक उसके पास दो रोगियों को एक रजिस्ट्रेशन पर ले जाते हुए देखा, उसे बैठा है और दूसरा अधलेटी अवस्था में पड़ा था। दोनों की नाक में नली डाली हुई थी, दूसरी की ओर ट्रॉली की ओर चौड़े मुँह वाले बर्तन पर संभार मिला भात ले जा रहे। कुछ सफ़ेद टोपी वाले लोग दिखाई दिए, सभी लोग सुसज्जित सफ़ेद कोट पहने स्टेथोस्कोप स्कोप को माला की तरह गले में लटका कर डाले हुए डॉक्टर निया सामने से निकली। पुलिस वाले ने चाय कॉफ़ी वाले के नर्स के सामने सभी लोगों की दिशा में जा रहे थे। वे लोग जल्दी में थे, उन्होंने रोकर कुछ पूछते मतलब डर रहे थे किसे पूछें। इसका और उनका नंबर ही भूल गई थी कि मुझे कहाँ जाना था। इनको 48 में ये भूल चुकी थी, डर से भूल गई थी। अब उनको समझ नहीं था वो क्या करे। किसी एक कमरे के सामने लोग भीड़ लगाए के लोग खड़े थे, वहाँ पर वो चिट लेकर वो भी खड़ी हो गई। जब चिट जमा की तो उस पर लिखा था आदमी को दे दी, तो उसने देखा तो उस चिट को लेकर बाहर की बेंच पर बैठी सभी बारी बारी से प्रतीक्षा कर रहे थे। वली अमाल को पापा की चिंता सताने लगी, लड़की वो अकेली पड़ी है। वो आदमी ने चिट की इकट्ठी की, उस पर एक नाम लेकर पुकारा और उसी क्रम में से बैठता जा रहा था। चिट पर पापा का नाम लेकर जब पढ़कर बोला इसे यहाँ क्यों लाई, ले इसे सीधे लेकर तू चली जा। वो दूसरे कमरे में चल गई थी। वह चिट वली अमाल की वापस दे दी गई और बोली कि बाबूजी मेरी समझ में नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। कुछ सोच कर तो एक व्यक्ति ने रोक कर बोला अम्लराज माता जी को। अच्छा अम्लराज मतलब एक व्यक्ति थे। अम्लराज माता जी को किस कमरे में ले जाकर कहा गया, अम्लराज को दोनों क्वेश्चन पूछा गया, मैं तो क्वेश्चन तो गलती लिख दिया हूँ। अम्लराज माता जी को 48 नंबर कमरा दिखा दे, वली अमाल से यह बोला। वो आदमी उसके पीछे चली गई, उसे अम्लराज के पीछे पीछे भागना पड़ा। वह जब गई तो वहाँ भीड़ था, एक आदमी दूसरे के हाथ में चिट ले रहे थे। सब सुबह से भूख के कारण वो अस्पताल में जो गंध उंध फैली थी, जो खुशबू जो दवा हुआ जो खुशबू था, इस उनका जिम में चल रहा था, उनका माथा चक्कर आ रहे थे। आधे घंटे बाद उनका नाम पुकारा गया, वह कमरे के अंदर चली आई गई। आमने सामने दो लोग बैठे, पूछा गया कि उनके आमने सामने कितने लोग बैठे थे। दो लोग बैठे थे और पेंसिल से कुछ लिख रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने उनकी चिट में हाथ में से ले ली और उलट कर देखा तो बहिरंग रोगी विभाग से आई हो, पूछा कहाँ से आई हो, तो बहिरंग रोगी विभाग से आई हो, तो उसने बोला हाँ, लेकिन वो उसका उत्तर नहीं दे पाई। चिट पर लिखा देख रोगी को एडमिट किया जाए, इस समय वह जगह नहीं है। अब देखो जो एडमिट करने के लिए कोई बेड खाली नहीं था, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई तुम कल सुबह 7:30 बजे आ जाना, समझी बाबू जी। कहाँ आना होगा, यहीं आना होगा, सीधे यहीं आ जाना, समझी। अब जब वो फिर लौटी वली अमल, तो देखो इनके साथ एक और घटना घटेगी। अब अस्पताल से बाहर निकलने के लिए इनको रास्ता भूल जाएंगी, क्योंकि सब लगभग कमरा ऐसा लग रहा था इनको। अब उसको लौटने का रास्ता नहीं पता था, नहीं पा सकी। अस्पताल के सभी कमरे जैसे थे, उसे लगा कि मानो ऐसे आदमी घूम हुआ अस्पताल में अलग अलग कमरों में बैठा हुआ है। अब इनको बहुत दिक्कत होने लगा। अब जिनके हाथ पैरों का ऊँचा उन वजन बांधा हुआ था, वो सब हॉस्पिटल का नज़ारा देख और डर रही थी। उसने डॉक्टरनी को पास बुलाकर उसे उस जगह पहचान बताई जहाँ से वह चली गई थी। वह बोली डॉक्टर बीबी कहाँ, बहुत से डॉक्टर लोगों को से मिलकर बातचीत कर रहे थे,
एक आदमी ने मुझसे मेरा वेतन पूछा था, उसने ये भी बताया था कि मुझे इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मैं अपनी लड़की को लेकर वहीं छोड़ आई हूँ। डॉक्टरनी द्वारा बताए गए रास्ते पर वह लौटी, उस समय मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था, अब ताला लग चुका था, हॉस्पिटल का समय खत्म हो चुका था। उसका मामूली से डर भीषण की भावना बदल गया, अब तो उसका डर और बदल गया क्योंकि ताला लॉक हो चुका था। वह रोने लगी, उस बरामदे के बीच बीच खड़े रोता, एक आदमी ने उसे किनारे पर खड़े हुए रोने को कहा, बल जाए तुम खड़े किनारा होकर यहाँ बीच मत रो। वहाँ के लोगों ने उसका रोना शायद वहाँ फैली रोगाणुनाशक दवाइयों की गंध के सह समझा। लोग समझ चलो यहाँ पर गंध वंध है उसके से रो रही है। पपाती पपाती मैं तुझे कहाँ ढूँढूँ, अब कहाँ जाऊँ, कहती हुई रो रही थी, घूमती फिरती थी। तभी उससे एक तरफ से बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया, अस्पताल से बाहर जाने का रास्ता, उस दरवाजे पर सिर्फ अंदर के लोगों को बाहर जाने दिया जा रहा था। उसे याद आया कि उसने दरवाज़ा पहले भी देखा था, वह बाहर आई थी। उसे याद आया कि यहाँ से थोड़ी दूर चलकर दूसरे दरवाजे की बनी सीढ़ियों की याद आई। सामने सज्जन की कुर्सी खाली पड़ी थी, उसने वेतन आदि के बारे में पूछा था, वह मुझे जाना है। वह दरवाज़ा बंद था, अंदर के किनारे पापाती एक स्ट्रेचर पर आँखें मुदे पड़ी दिखाई दी। बाबूजी बाबूजी दरवाज़ा खोलिए ना, मेरी बेटी अंदर है, ठीक 3 बजे आना। उसका समय लंच वंच हुआ था, इस समय सब कुछ क्लोज हो चुका है। वह 10 मिनट तक उस आदमी की मिन्नतें करती रही, उसकी भाषा वाली अमल को समझ में नहीं आई। किसी व्यक्ति से पैसे पाकर चुमकर उसने उनके लिए दरवाज़ा खोल दिए। वो भी झटपट से उसी से अंदर से भागी, अपनी बेटी को उठाकर छाती से लगाया, अकेले जाकर बेंच पर बैठाकर खूब रोई। बड़े डॉक्टर MD के छात्रों के कक्षा समाप्त करके कॉफ़ी पीकर वार्ड की ओर चले। उन्होंने मेनिंजाइटिस का केस देखा था, उन्हें अच्छी तरह से याद है। उन्होंने एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में उस रोग की कुछ दवाइयों के बारे में पढ़ा था। मैंने अब देखे बोले वो सुबह सुबह अब आगे बोले जब क्लास ख़त्म हो तो बोले मैंने आज सुबह मेनिंजाइटिस का एक केस एडमिट करने को कहा था, वो 12 साल की लड़की कहाँ है? डॉक्टर साहब आज यहाँ कोई एडमिट नहीं हुआ, अभी पता करने का है कि एडमिट कहाँ है। तो एडमिट हुई नहीं थी, तो थी नहीं उसमें। क्या एडमिट नहीं हो? मैंने उसे एडमिट करने का खास आदेश दिया था। धन शिखरन क्या आपको याद है डॉक्टर साहब? पाल आप जाकर बात करके आइए, उस केस को इन लोगों को ने मिस कर दिया। पाल सीधे नीचे और उन्होंने अपने आसपास सामने 2 क्लर्कों से पूछताछ की, क्या करें बाबूजी, आप लोग एडमिट लिखकर चिट पकड़ा देते हैं, यहाँ वार्ड में खड़े होने की जगह नहीं है। स्वामी बड़े डॉक्टर साहब का पूछताछ कर रहे हैं, वे लोग उनकी परिचित हैं, हो सकता है मैं क्या जानूं, 12 साल की कोई लड़की मेरे पास नहीं आई है, हो सकता है उसके बदले में कोई और आया हो। मैंने सभी लोगों से सुबह 7:30 बजे आने के लिए कह दिया है, रात को 2-3 बेड खाली हो जाएंगे, इमरजेंसी हो तो पहले बता देना चाहिए। हाँ, इस बात का संकेत भी दे देना चाहिए, बड़े डॉक्टर के इसमें इंटरेस्टेड हैं, वे लोग उनके रिश्तेदार हैं। लेकिन उनके रिश्तेदार नहीं थी, वो जो रोग था एक नया रोग था मेनिंजाइटिस, इसीलिए वो थोड़ा इसमें इंटरेस्टेड थे, नया केस था। वली अमाल को समझ में नहीं आया था कि वो अगले दिन 7:30 बजे क्या करे, अस्पताल के वातावरण से अत्यंत भयभीत कर दिया था। वह नहीं जान सके उसने अपनी बेटी के पास रहने देंगे अथवा क्षण भर के लिए वह कुछ सोची थी। अब वो कन्फ्यूज थी कि लेकर जाए कि सुबह आए कि नहीं आए। उसने सिर्फ वो अपने कंधे से टिकाकर उसके हाथ पर लटकता छोड़कर वह उसे लेकर अस्पताल से बाहर आई। पीले रंग की एक साइकिल रिक्शा पर सवार हुई, रिक्शे वाले से बस अड्डे चलने को कहा। व्हाट नॉनसेंस, कल सुबह 7:30 बजे तब तक वह लड़की मर जाएगी। डॉक्टर साहब बोले कि व्हाट नॉनसेंस, 7:30 बजे तो बोला है, तब तक डॉक्टर तो लड़की मर जाएगी। डॉक्टर धनशेखरन आप स्वयं OPD जाकर देखिए, वह रोगी वहाँ होगी, इन दुष्टों से वार्ड में कोई बेड खाली नहीं है। तो क्या करें, विभाग में कोई वार्ड एक बेड भी खाली नहीं है, उसे वहाँ बेड दिलवा दीजिए, जल्दी कीजिए। डॉक्टर साहब ने उसे किसी रिजर्व करके रखा था। आई डोंट केयर, आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिट नाउ, राइट नाउ। बड़े डॉक्टर साहब आज तक इस तरह चिल्लाकर नहीं बोले थे। तो बड़े डॉक्टर ने चिल्लाकर क्या बोला था तो ये बात याद रखना, आई वॉन्ट दैट एडमिट नाउ, ये बात किसने कहा था? तो बड़े डॉक्टर ने, याद रखिएगा। अतः डॉक्टर धनशेखरन पाल हेड नर्स मिरांडा सभी घबराकर वल्ली अमाल को खोजने OPD की ओर दौड़े। OPD मतलब कमरा होता है उसकी ओर दौड़े। इस मामूली से सब लोग बात कर रहे थे, इस मामूली से बुखार तो ही तो है,
वापस मुनंडीपीठ ले चलती हूँ, वहाँ के माँ सोच रही है वहाँ के वैद्य जी को दिखा देंगू, गांव के अस्पताल नहीं ले जाऊँगी, वहाँ के डॉक्टर साहब ने तो मुझे डराकर मदुरै जाने को कहा था, अब लेकिन माथे पर मिट्टी का लेप लगा कर दूंगी। और वो यहाँ से झाड़ फूक करवा दूंगी, सब ठीक हो जाएगा, साइकिल रिक्शा बस अड्डे की ओर कुछ भी छुटी है नहीं छुटा है। और साइकिल रिक्शा पर की ओर बढ़ता जा रहा था, वल्ली अमाल ने मन्नत मानी, यदि पपाती ठीक हो जाएगी तो वैदिश्वरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों से रेजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। इस तरह से ये कहानी ख़त्म होता है। क्या ज़बरदस्त कहानी है, एक बार कहानी का पूरा सारांश सबको याद रहेगा। ये कुछ प्रश्न अभ्यास है, लेकिन आपने जो पढ़ा इसके कुछ पॉइंट्स सबको याद होने चाहिए, ताकि जब भी आप रिविज़न करें तो थोड़ा सा आपको नोट्स पढ़ना चाहिए। पहले तो बुक 100% पहले बुक, चलो तो ये आपके चैप्टर के नोट्स हैं। मैं पूरा कोशिश किया हूँ उसका सब कुछ टॉपिक को नोट करूँ। ये कुछ प्रश्न अभ्यास हैं बच्चा जी, ज़्यादा मैं प्रश्न अभ्यास नहीं किया हूँ, जो जो पूछा गया उसी किया हूँ, बाकी प्रश्न अभ्यास आप खुद से अभ्यास कर लीजिएगा। अब इसके MCQ जरूर लाया हूँ, क्योंकि MCQ आपको बहुत इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 3 दिन क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, लेखक सुजाता का रचित कहानी किस नाम का, क्या नाम है, तो नगर, क्या चैप्टर का नाम है, नगर। मधुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है यह कहाँ लिखा गया है, तो तुलनात्मक व्याकरण में, किसके तुलनात्मक व्याकरण में, तो वाइल्डमैन के। मधुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे, तो मधुरा, और ये लोग और यूनानी लोग मेदोरा। किस वातावरण से वल्लियामाल को भयभीत कर दिया था, किसका वातावरण ने, तो अस्पताल के वातावरण ने। लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूँ सारे के सारे। इनका जन्म किस वर्ष हुआ था, 3 मई 1935 को हुआ था, याद रखना है। क्वेश्चन किया जा रहा है कि नगर शीर्षक पाठ में को वल्लियामाल कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पाठ में वमाल को, यहाँ पर थोड़ा मुझे सही करना पड़ेगा, यहाँ पर बच्चा जी होना चाहिए अमलराज, क्या होना चाहिए, अमलराज, इसको सुधारता हूँ, अमलराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था, तो 48 नंबर। एक क्वेश्चन अभी कहा जाएगा कि वल्लियामाल को किस कमरे में जाने के लिए बोला गया था, तो 48 नंबर। पहले दिन पपाते हुए क्या था, तो बुखार था, तेज बुखार था उस दिन। किसके कारण, किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया, तो याद था ना कहानी में, जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़े थे, वल्लियामाल को बहुत गुस्सा आया कब, जब अस्पताल में पड़ी थी, उनसे पूछा गया पसंद को यही नहीं आया है, और उनका जो वहाँ का विष से गंध से उनका सिर चकरा रहा था, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया अपने पति पर। पपाती किस रोग से पीड़ित थी, तो मेनिनजाइटिस रोग से पीड़ित थी। कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, तो वरियम्मा वल्लियामाल, तो वल्लियामाल हो जाएगा, वल्ली अमाल हो जाएगा, ये यहाँ नल्ली है, नल्ली नहीं, वल्ली अमाल। वल्ली अमाल के गांव का क्या नाम था, तो ये मुनंडीप, ठीक है। वल्ली अमाल को क्या नहीं वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी, तो पढ़ना नहीं जानती थी। कौन पपाती को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, तो उसकी माई वल्ली अमाल। वल्ली अमाल अस्पताल से डॉक्टर ने मदुरै जाने को लिए को कहा था, वल्लियामाल से कहाँ के डॉक्टर ने, तो गांव के डॉक्टर ने बोला था कि भाई इसको शहर पर डॉक्टर से देकर दिखाइए। पपाती कहाँ लेटी हुई थी, सी स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, खटिया बिल्कुल मत मारने का। ये सरंग रंगजन किसका नाम है, किसका वास्तविक नाम है, तो ये सुजाता का वास्तविक नाम है। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो कार्डवेल की, किसकी, कार्डवेल की तुलनात्मक व्याकरण है। आई वांट दैट गर्ल एडमिट ना, ये बात किसने कहा था, बड़े डॉक्टर ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। अपाती की उम्र क्या थी, तो 12 वर्ष की थी। अपाती डेड डेड कहानी की, डॉट डॉट कहानी की पात्र है, तो
तो ये नगर चैप्टर की वो पात्रा है। नगर कहानी किस भाषा से अनुवादित है, तो ये तमिल भाषा से अनुवादित है। किसने किया था, तो कि ए जमुना ने इसे अनुवादित किया था, ये भी आपको ख्याल होना चाहिए। और आखिरी क्वेश्चन लाया हूँ, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो एस रंगराजन अर्थात सुजाता के द्वारा इसे लिखा गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। मुझे लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा, ये मेरा वन शॉट सीरीज आपको कैसा आता है, पसंद आता है कि नहीं। एक आखिरी चैप्टर बच रहा है, उसको मैं कल फिनिश करने वाला हूँ। तो वर्णिका मैंने देखा आपको अगस्त महीने में आपको वर्णिका पूरा पूरा ख़त्म कर दिया हूँ। अब गोधली पहले से ख़त्म हो चुका है, प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, प्ले लिस्ट में जाइए, पिछले साल के लेक्चर है, उसी से आपके काम अच्छे से निकल जाएंगे। आप हिंदी में चाहेंगे तो 96 नंबर 97 नंबर 95+ आप आराम से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और छोटा सा प्यार अपना दिखाइएगा, वीडियो को शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि मेरा वीडियो बहुत लोगों के पास पहुँचे, बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चों के पास पहुँचे। हर साल करीब करीब 15-16 लाख बच्चे पढ़ते हैं अपने बिहार से, तो बिहार के हर बच्चों के पास कम से कम कुछ बच्चों तक पहुँचा दीजिए, इतनी से मेहरबानी आप कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।